अरे दोस्तों, माय नेम इज़ यशपाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी ट्रिकर। मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिकल कार्य में प्रयोग होने वाली इंसुलेशन पेपर अर्थात इंसुलेशन शीट्स लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप पूरा देखेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो देखिए, जो मेरी लिस्ट है उसकी कुछ इस प्रकार से है। एमरी पेपर और सैंड पेपर प्रायः जनरल कार्य के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि पीवीसी पेपर, फाइबर शीट्स और नोमैक्स इंसुलेटेड पेपर मेरे इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग की स्टेटर कोर इत्यादि में प्रयोग होते हैं। रेजिन पोलिस्टर पेपर और माइका शीट्स देखने में एमरी पेपर और सैंड पेपर कुछ ऐसे लगते हैं, ज़्यादा अंतर होता नहीं, लेकिन ये केमिकल जो कंपोजिशन चिपकाया हुआ है इसके ऊपर, इसमें थोड़ा अंतर रहता है। इसी प्रकार पीवीसी पेपर, ठीक इसी प्रकार फाइबर शीट्स, फाइबर पेपर एफ क्लास इंसुलेशन में आता है और जो वाइंडिंग वायर में स्टेटर कोर के लिए प्रयोग होता है, सीलिंग फैन की वाइंडिंग में ये वाला प्रयोग होता है, इसको नोमैक्स इंसुलेटेड पेपर भी बोलते हैं। इम्प्रेग्नेटेड पेपर अर्थात तेल में डूबा हुआ अवशोषित किया हुआ पेपर भी बोल सकते हैं, ई क्लास श्रेणी में आता है। जबकि ये मेरा रेजिन, इसमें पोलिस्टर मिक्स होता है, रेजिन पेपर है, रेजिन शीट्स, ये भी वाइंडिंग इंसुलेशन प्रयोग होता है। और ये मेरे माइका शीट्स, बहुत सारे कारण होता है जहाँ पे टेम्परेचर का ज़्यादा इशू हो, अर्थात ये क्लास सी इंसुलेशन में आता है और हाईली इंसुलेटेड मटेरियल है। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल कार्य में कहीं जगह प्रयोग आएगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।